हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर इन जोग्राफी दैट इज चैप्टर एट इंडिया फिजिकल फीचर्स सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द नदन माउंटेंस नदन प्लेन्स पैन सुलर द सेंट्रल हाइलैंड्स द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स एंड द ग्रेट इंडियन डिजर्ट अबाउट दिस वी विल नो इन दिस चैप्टर सो लेट स्टार्ट सी द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया गिव इन ऑन नेक्स्ट पेज अगले पेज पर हमें इंडिया का फिजिकल मैप दिया गया है उसे देखना है इंडिया हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ लैंडफाम्स इंडिया की जो लैंडफाम्स इंडिया में मिलने वाली जो लैंडफाम्स हैं वो कई तरह की हैं बहुत बड़ी रेंज इनकी है सो इंडिया पाकिस्तान नेपाल भूटान एंड बांग्लादेश आर सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय द हिमालयन माउंटेन रेंजेस तो जितने भी कंट्रीज़ हैं कौन कौन से इंडिया पाकिस्तान नेपाल भूटान और बांग्लादेश ये सभी एक दूसरे से हिमालन की जो माउंटेन रेंज हैं हिमालज हैं उन सब में क्या है ये बाकी की एशिया से अलग होते हैं यानी कि हिमालयाज हमारे इन सभी कंट्रीज़ को बाकी की एशिया के पार्ट से अलग करता है दिस रीज़न इज़ कॉल्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इस रीज़न को हम इंडियन सब कॉन्टीनेंट कहते हैं यू कैन ऑल्सो फाउंड माउंटेन्स प्लेट्यूज एंड प्लेन्स विच आर क्रिस क्रॉस बाई रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज इस रीज़न में हमें क्या क्या मिलते हैं माउंटेंस बहुत सारे तरह के पहाड़ पर्वत प्लेट्यू पठार प्लेन्स यानी कि मैदानी क्षेत्र मैदानी एरिया जो कि एक दूसरे से क्रिस क्रॉस करके किससे अलग हो रखे हैं रिवर्स से और उनकी जो सहायक नदियां हैं ट्रिब्यूटरीज जिनको हम कहते हैं उनके द्वारा ये एक दूसरे से क्रिस क्रॉस फॉर्म में अलग अलग हैं इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग फाइव फिजिकल डिविजन्स इंडिया को फाइव फिजिकल डिविजन में हमने डिवाइड किया है नंबर वन नदन माउंटेन्स नदन प्लेन्स पैनन्सुलर प्लेट्यू कोस्टल प्नस एंड द आईलैंडस एंड द ग्रेट इंडियन डिजर्ट तो इन सब के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं नदन माउंटेंस मीन नॉर्थ डायरेक्शन में जो नदरन माउंटेंस हैं जैसे कि हिमालियास जिसके अंदर बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं हिमालियास में भी जैसे कराकोरम है कंचनजंगा है नदन प्लेन्स यानी नदर नॉर्थ की तरफ ही जाते हैं तो वहाँ जितने भी प्लेन एरियाज हैं पैनसुलर दर्दन मोस्ट जो कि नीचे की तरफ है यहाँ पर के तीन तरफ क्या है वाटर है जैसे अरेबियन सी बे बंगाल एंड इंडियन ओशन ये पैनलोलर एरिया है तो यहाँ मिलने वाले जो प्लेट्यूज़ हैं इनको हम पेनेंसोलर प्लेट्यूज़ कहते हैं कोस्टल यानी कि इन्हीं पैनल एरियाज में जो बिल्कुल वो एरियाज जो कि हमारे इन तीनों वाटर बॉडीज़ से अटैच हैं आइलैंड्स जो बिल्कुल पानी में हैं जैसे कि पानी से घिरे हुए हैं साउंडेड बाय वाटर लाइक लक्षद्दीप अनुमान निकोबा और ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो कि हमारे राजस्थान में है सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द नदन माउंटेन्स द आर द हाइस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड हिमालयस हमारे वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है पर्वत श्रृंखला है दिस चेन ऑफ माउंटेंस इट स्ट्रेच फॉर अबाउट ट्वेंटी फोर हंड्रेड किलोमीटर फ्रॉम कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश यानी कि कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक की करीबन टू थाउजेंड फोर हंड्रेड किलोमीटर तक फैला हुआ है ईस्ट में दीज माउंटेन्स वेरी इन विद टू फोर हंड्रेड फोर्टी किलोमीटर एट टू प्लेसिस टू अबाउट थ्री हंड्रेड ट्वेंटी किलोमीटर्स कई जगहों पर जो माउंटेन है इसकी विर्थ अलग अलग है जैसे कहीं पर टू फोर्टी से लेकर इसकी जो विद्ध है थ्री हंड्रेड ट्वेंटी किलोमीटर तक वेरी करती है एट द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एंड इसमोल रेंजेस स्मॉल

ये तीन तरह की पैरल रेंजेस से बनी हुई है पूरी माउंटेन चेन माउंटेन्मालिया वाले कौन कौन से एक तो है द ग्रेटर हिमालस उसके बाद लेजर लाज हिमालयास एंड द आउटर हिमालयास इन बिटवीन दीज यू विल फाइंड ब्यूटिफुल वैलीज सच एज द कश्मीर एंड द कुल्लू वैलीज ये जो तो तीन तरह की माउंटेन रेंजेज हैं हिमालियाज में इनके बीच बीच में बहुत सुंदर सुंदर बहुत खूबसूरत वैलीज हैं घाटियाँ हैं जैसे कश्मीर है कुल्लू वैली है कुल्लू घाटी है तो द ग्रेटर हिमालज ऑल्सो कॉल्ड द हिमाद्री आर द हाइस्ट माउंटेन्स जो ग्रेटर हिमालज हैं जिनको हम हिमाद्री भी कहते हैं ये सबसे हाइस्ट माउंटेन इनकी हिमालया में सबसे ऊपर ये ही मिलते हैं टॉप पर विद इन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट फोर थाउजेंड एट हंड्रेड सेवनटी सेवन मीटर सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाइस्ट पीक आर फाउंड इन दिस रेंज अब इस हिमादरी की जो ऊंचाई है वह कितनी है करीबन फोर थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी सेवन मीटर है और हमारे वर्ल्ड के जो कुछ हाइएस्ट पीक्स हैं वो इस रेंज में मिलती हैं जैसे माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल चाइना बॉर्डर पर है कंचनजंगा है जो कि इंडिया नेपाल की बॉर्डर पर है और एक नंदा देवी द कराकोरम माउंटेन लाइज बिटवीन द पामिर नॉट एंड द इंडस रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर कराकोरम माउंटेन रेंज जो कि जम्मू कश्मीर में पामिर और इंडस रिवर के बीच में है इट एक्सटेंड्स ईस वर्ड्स फ्राम द पामिर नॉट फॉर अबाउट एट हंड्रेड किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ये करीबन पामिर नॉट की तरफ इस डायरेक्शन में पामिर नॉट की तरफ करीबन 800 किलोमीटर तक ये फैली हुई है दिस रीजन हैज मैनी ग्लेशियर्स इस रीजन में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जैसे एज बालतोरा एंड सियाचीन एंड अ नंबर ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स यानी कि एक तो हो गई कौन कौन सी रेंजेस बालतोरा सियाचीन और बर्फ से ढके हुए माउंटेन्स की जो बड़ी कुछ चोटियां इसमें आती हैं माउंट गॉडविन ऑस्टिन और केटू माउंट गॉडविन ऑस्टिन को हम केटू के नाम से भी जानते हैं एंड इट इज द सेकेंड हाइस्ट पीक इन द वर्ल्ड और ये वर्ल्ड की सेकेंड नंबर की हाइएस्ट पीक है सबसे ऊंची चोटी है इज इन द कराकोरम माउंटेन जो कि कराकोरम माउंटेन रेंज में आती है आप चाहें तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द कराकोरम रेंज आर द लद्दाख एंड द जंसका रेंजेस साउथ की तरफ कराकारा माउंटेन रेंज के साउथ की तरफ आते हैं लद्दाख और जंसका रेंजेस द इंडस रिवर इन द कश्मीर रीजन फ्लोज बिटवीन दीज टू रेंजेस और इन दो रेंजेस के बीच में ही कश्मीर में इंडस रिवर यानी कि जिसको हम सिंधु नदी भी कहते हैं वो फ्लो होती है बहती है सी दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ अवर इंडिया हे इन दिस मैप यू कैन सी द पैन सुलर पार्ट एंड दन साइड इट हैज अरेबियन सी बे बेंगोल एंड द इन द सदर मोस्ट एरिया इट हैज इंडियन ओशियन एंड यू कैन सी द डिफरेंट माउंटेन रेंजेस इन इट दिस इज द रेफरेंस दई यू कैन अंडरस्टैंड दिस मैप जो लाइनिंग वाला पार्ट है वर्टिकल लाइनिंग वो माउंटेन रीजन शो कर रहा है ओके okay, और जो डॉट आप देख रहे हैं हिल स्टेशन शो कर रहा है तो फर्स्टली टू इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं देखिए कराकोरम भी हमें दिखाई दे रही है लद्दाख रेंज भी है जंसका रेंज भी है ये है हमारे ग्रेटर हिमालया ठीक है और इसी के आगे आते हैं लेजर हिमालयास यू कैन सी हेयर एंड सो मैनी रिवर्स आर हेयर लाइक यू कैन सी कोसी गंडक घाघरा गंगा यमुना मैनी रिवर्स एंड हिल स्टेशन लाइक मसूरी देहरादून इंडियन डिजर्ट तो वी कैन ऑल सी ऑल द फाइव पार्टस विच वी हे डिडेड ऑफ इंडिया सो कम टू द पॉइंट अगेन द हिमाचल और लेजर हिमालयाज लाई टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री हिमाचल यानी कि जो लेजर हिमालयाज हैं नीचे वाले फ्लोर के लोअर लेवल के जो हिमालयाज़ हैं जो कि नीचे की तरफ हैं वो हमारे हिमाद्री के साइड में साउथ में आते हैं मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशन सच है शिमला कुल्लू मनाली डल मसूरी नैनीताल दार्जिलिंग आर सिचुएटेड इन दिस लेजर हिमालयाज तो ये सभी मेन मेन जो हमारे हिल स्टेशन है वो सभी लेजर हिमालज में आते हैं द आउटर हिमालयाज़ और द शिवालिक्स फ्रॉम द लोवेस्ट रेंज आउटर हिमालय जाने के हम जब हिमालय की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हम जहाँ जाएंगे वो कहाँ लोवेस्ट रेंज यानी कि जिनको हम शिवालिक रेंज भी कहते हैं तो पहले हम शिवालिक रेंज जाएंगे फिर हम लेजर हिमालयाज और उसको क्रॉस करके फिर हम जाते हैं कहाँ पर ग्रेटर हिमालयाज हिमाद्री की तरफ तो सबसे आउटर रेंज जो है हिमालय की वो क्या है शिवालिक रेंज है और इसकी एवरेज हाइट है नाइन हंड्रेड मीटर से लेकर फिफ्टीन हंड्रेड मीटर तक दिस रेंज लाइज बिटवीन द नदन प्लेन्स एंड द लेजर हिमालयाज ये नदन प्लेन्स और लेजर हिमालयास के बीच में पड़ती है द आउटर हिमालयाज आर डोटेड विद फ्लैट वैलीज़ और डून्स इन बिटवीन सच एज देहरादून इनको हमने किससे शो किया है फिजिकल मैप में फ्लैट डॉटेड हैं जो की डाउटर हिमालय विद इनको डॉटेड करके दिखाया गया बिटवीन यानी कि सच एज देहरादून देहरादून के आस पास यहाँ पर जो कि फ्लैट दिखा रखे हमें ये शिवालिक रेंज यहाँ आप देख सकते हो यहाँ शिवालिक्रेंज शिवालिक ठीक है ओके द पूर्वांचल हिल्स इन द नदर्न ईस्ट नॉर्थ ईस्ट लाई अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया जो पूर्वांचल हिल्स है यानी कि हमारे ईस्ट की तरफ उत्तर और पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्वी दिशा में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर जो पूर्वांचल हिल्स मिलती हैं ये हमारी क्या बनाती हैं ईस्टर्न इंडिया की बाउंड्री बनाती हैं दे आर द ईस्ट वर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द हिमालयाज हमारे हिमालयाज का ये कंटिन्यूएशन है हमारा जो हिमालयाज है ये जम्मू कश्मीर से लेकर हमारे ईस्ट तक फैला हुआ है स्प्रेड है यहाँ पर आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश से लेकर आगे यहाँ तक तो ये क्या कर रहा है हमारे ईस्ट इंडिया की बाउंड्री बना रहा है ओके दे हैव पचकाई बम एंड द नागा हिल्स इन द नॉर्थ एंड द मिजो हिल्स इन द साउथ यानी कि ईस्ट में यहाँ पर पटकाई बम और नागा हिल्स है साउथ में मिजो हिल्स है द सेंट्रल पार्ट हैजद गारो खासी एंड जेंतिया हिल्स ये तीनों हिल्स भी यहाँ पर इसके सेंट्रल पार्ट में मिलती हैं सेवरल बिग रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालज हिमालय से कुछ बड़ी जो नदियाँ हैं वो ऑरिजिनेट होती हैं यहीं से निकलती हैं मोस्ट ऑफ दम फ्लो थ्रू द नदन प्लेन्स एंड फॉल इधर इन टू द वेयर बंगाल और द अरेबियन सी इनमें से ज़्यादातर जो रिवर्स हैं वो नदन प्लेन से बहते हुए कहाँ जाती हैं यहाँ तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं वेयर बंगाल में या अपने ट्रिब्यूटरीज़ की हेल्प से ये जाकर मिलती है किसमें अरेबियनसी में